रोमांच और रहस्य जीवन का अर्थ। सब कुछ तब शुरू हुआ था जब मैं और मेरे पति एक शाम को लिविंग रूम में टेलीविजन देख रहे थे। मेरे पति अखबार भी पढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्होंने एक अजीब सा विज्ञापन देखा। वो विज्ञापन तंत्र मंत्र विद्या वाले पेज पर था। भूत प्रेत भगाइए, श्राप से छुटकारा पाइए, अपना भविष्य जानिए और हमारे ताबीज से गंभीर बीमारी से छुटकारा पाइए, जैसे बहुत से विज्ञापन थे। जिस विज्ञापन ने मेरे पति को आकर्षित किया उसमें शीर्षक था, अनंत प्रश्न का अर्थ जानिए, जीवन का अर्थ क्या है। उस विज्ञापन के नीचे एक फोन नंबर दिया हुआ था। मेरी और मेरे पति की इच्छा हुई कि हम भी फोन करके पूछें कि वो और किस प्रकार की सेवाएं देते थे। मेरे पति ने तुरंत ही वो नंबर मिलाया। कुछ ही क्षणों में दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठा लिया। मेरे पति ने हेलो कहा लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद फोन बंद हो गया। हम दोनों हैरान थे कि अगर विज्ञापन दिया था तो फोन क्यों नहीं उठाया गया था। उस रात को जब हम सो रहे थे हमारा फोन बजने लगा। रात के 2 बजे का समय था। मेरे पति ने उठकर फोन उठाया। वो उसी नंबर से आया था जो विज्ञापन में दिया गया था। एक औरत की आवाज थी। मेरे पति हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे। मेरे पति ने मुझसे कहा कि शायद वो किसी प्रकार का कोई मजाक था। उन्होंने कहा कि वो उसको चेक करेंगे। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और घर से बाहर चले। मेरे पास उनसे कुछ पूछने का मौका ही नहीं था। वो वापस नहीं आए। मैं बहुत देर तक उनका इंतजार करती रही। सुबह तक भी वो वापस नहीं आए थे। मैंने पुलिस में जाकर उनके गायब होने की रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए, पर पुलिस ने कहा कि वो किसी व्यक्ति के गायब होने के 48 घंटों के बाद ही रिपोर्ट लिख सकते थे। मैंने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों सभी को फ़ोन किया। मैंने सभी अस्पतालों और शवगृहों में जाकर देखा, वो मुझे कहीं भी नहीं मिले थे। मैंने उस विज्ञापन में दिए गए फोन नंबर पर फोन करने का भी प्रयास किया लेकिन फोन बजता रहा, पर किसी ने भी फोन नहीं उठाया। रात को मैं बिस्तर पर लेटी सोच रही थी कि क्या हुआ होगा और मुझे अब क्या करना था। मेरे मन में बहुत भय घर कर गया था, लेकिन मैं आशा कर रही थी कि रात को फोन की घंटी जरूर बजेगी। रात को 2 बजे फोन वास्तव में ही बजने लगा। मैं तो एकदम सन्न हो गई। जब मैंने फोन उठाया मैंने आवाज को पहचान लिया। वो मेरे पति की ही आवाज थी। उनकी बड़बड़ाती हुई आवाज आई, मैं अकेला नहीं हूं। तभी धड़ाम की एक आवाज आई और फोन बंद हो गया। मैंने एक बार फिर से उस नंबर पर फोन मिलाने का प्रयास किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरे पति को गायब हुए 1 महीना हो गया था। पुलिस ने बहुत तलाश की लेकिन कोई भी परिणाम नहीं आया। पुलिस ने उस फोन नंबर को तलाश कर लिया था लेकिन वह एक ऐसे पुराने सुनसान घर का था जहां दशकों से कोई भी नहीं रहता था। आज सुबह मैंने अखबार खोली और वैसा ही एक और विज्ञापन देखा। इस बार उस विज्ञापन में फोन नंबर दूसरा था। मैं शायद उस फोन नंबर पर फोन करने के बारे में सोच रही हूं। हालांकि मेरा मन कहता है कि उस नंबर पर फोन करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन मैं फोन करना ही चाहती हूँ। मैं बहुत भयभीत हूँ लेकिन मुझे ये तो जानना ही है कि मेरे पति के साथ क्या हुआ था। शायद इस तरह मुझे और मेरे पति दोनों को ही जीवन का अर्थ मालूम चल जाए। यही तो था उस विज्ञापन का शीर्षक। बहुत बहुत शुक्रिया।